नमस्ते भाई बहनों, आज हम लोग योगा करेंगे कंप्लीट बिगनर के लिए। तो अगर आपने कभी भी योगा नहीं किया हो तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आप कोई भी योगा कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि अगर आपका पेट बड़ा है या आप थोड़े हैवी वेट हैं तो आप योगा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। योगा सबके लिए होता है, और जब आप योगा करते हैं तो आपकी बॉडी स्लिम और फ्लेक्सिबल बाद में होती है। हम लोग पेट से फ्लेक्सिबिलिटी लेके नहीं आते। अगर आपको योगा चालू करना है, स्टार्ट करना है, तो आप चिंता मत कीजिए, बस आप चालू कीजिए। और योगा इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि योगा में बहुत सारे लेवल हैं। उसमें बिगनर लेवल है, एडवांस लेवल है। तो अगर आपने योगा कभी नहीं किया हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके एडवांस और इंटरमीडिएट योगा करें, आप बिगनर योगा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिगनर योगा से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने आसन पर, मैट पर बैठ जाएं, आंख बंद करके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, ताकि आपको मेडिटेशन के भी बेनिफिट मिल सकें। योगा दोनों से होता है, बॉडी एंड माइंड। तो अपने ध्यान को, अपने दिमाग को अपनी बॉडी के ऊपर लेके आए, अपने शरीर के ऊपर लेकर आए। अंतरात्मा से अपने शरीर को देखें, महसूस करें कि कहीं टेंशन तो नहीं है, उसको रिलीज करें। फिर धीरे से अपनी आँखों को खोल लें और अपने हाथों को सामने की ओर लेके आएं, उंगलियों को खींचें और मुट्ठी को बंद करें। उंगलियों को खींचें और मुट्ठियों को बंद करें। ऐसे ही आपको 5 बार से 10 बार तक करना है। ध्यान रखें कि आपका पूरा ध्यान आपके मूवमेंट्स पर हो, आपकी खुद की बॉडी के ऊपर हो, ना कि कुछ और सोच रहे हो। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, अभी अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दें। अभी अपनी उंगलियों को ऐसे हिलाइए, ट्राई करें कि आपका अंगूठा भी हिल रहा हो। नहीं तो हम लोग नॉर्मली में ऐसे ऐसे उंगलियां हिलाते रहते हैं, अंगूठा नहीं घूमता, उसको भी हिलाएं। उंगलियों को सीधा करके अपने रिस्ट के ऊपर वर्क करें, ऊपर नीचे की ओर मोड़ें। देखिए कितना आसान है। आप लोग वैसे ही डर जाते होंगे योगा का नाम सुन के, ये भी योगा है। फिर अपने मुट्ठी को बनाइए और घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर अपने हाथों को ऊपर की ओर करके, पंजों को, और अपनी कोहनियों के ऊपर वर्क करेंगे। तो उनको मोड़िए और अपने कंधों से लगाएं, फिर सीधे सामने की ओर। ऐसे ही 5 से 10 बार कर सकते हैं।
फिर सेम प्रक्रिया बगल की ओर ले जाके करें। आँखों को आप बंद रख सकते हैं, इससे आपका और एकाग्र बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। फिर अपने उंगलियों को अपने कंधों के ऊपर लगाकर अपने शोल्डर को कंधों को रोल करें 5 से 10 बार दोनों साइड। अब दूसरी तरफ घुमाएं 10 बार। अब शोल्डर के बाद हम लोग नेक के ऊपर काम करेंगे, तो अपने कान को शोल्डर के ऊपर लगाने की कोशिश करें दूसरी तरफ। ऐसे ही आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब अपनी चिन को अपनी छाती से लगाएं और ऊपर की तरफ लेके जाएं। और अपने गर्दन को साइड की ओर लेके जाएं। कोई भी पोज हो, कुछ भी आप आसना कर रहे हो योगा में, वो आपको धीरे ही करना है और ट्राई करना है कि जो आपकी बॉडी में हो सके उसको ही करें। अपनी नेक को घुमाएंगे, देखिए पहले कि नेक को आपको ऐसे नहीं घुमाना है, आपको घुमाना है धीरे से ऊपर लेके जाएंगे, फिर साइड की ओर राइट साइड, फिर नीचे, फिर लेफ्ट से ऊपर 3 बार। उसके बाद दूसरी साइड। और फिर सामने की ओर थोड़ी देर रुकें। फिर अपने बैक के ऊपर काम करेंगे, तो अपने हाथ को ऐसे नीचे जमीन पर रखें, अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और सांस भर के सांस छोड़ते हुए आप लेफ्ट तरफ झुकें। वापस आएं और यही प्रक्रिया दूसरी तरफ दोहराएं 5 से 10 बार कर सकते हैं। जब भी आप ऊपर हाथ लेके जा रहे हैं सांस भरें, और जब भी झुक रहे हैं सांस छोड़ें।
लास्ट बार करेंगे। दोनों हाथों को अपने नी के ऊपर रख के थोड़ी देर विश्राम कीजिए। अभी बैक के ऊपर काम होने के बाद हम लोग स्पाइन के ऊपर काम करेंगे। अपने बाएं हाथ को अपनी दाएं नी पर रखें और अपने दाएं हाथ को पीछे रख करके और पूरे तरीके से ट्विस्ट करें सांस छोड़ते हुए। वापिस आए, दाएं हाथ को बाएं नी पर रखें, बाएं हाथ पीछे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। यही प्रक्रिया 5 बार दोनों साइड कर सकते हैं। पांच बार करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करें। अभी ऊपर के शरीर के ऊपर हमने काम किया, अब हम निचले हिस्से पर काम करेंगे। तो पैरों को फैला लें और अपने हाथों को आप ऐसे पीछे करके और लीन कर सकते हैं। तो आप इसमें रेस्ट हो जाएगा आपके अपर बॉडी को, ऊपर के शरीर को, और पैरों से काम करेंगे। तो पहले उंगलियों को आप घुमाएं, ऐसे उंगलियों को बेंड करें, जल्दी जल्दी करना है। उसके बाद धीरे धीरे करना है। जल्दी जल्दी करेंगे तो उनमें जान आ जाएगी, जो हम लोग अंगूठों ये उंगलियों को नॉर्मली यूज नहीं करते, इसलिए उनको जल्दी जल्दी करके वार्म अप करके फिर धीरे धीरे उनको स्ट्रेच करेंगे। अभी एंकल ज्वाइंट जो हैं उनको स्ट्रेच करना है, तो आगे को खींचें पंजों को जितना हो सके और फिर पीछे को खींचें। इसको भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। आप अपनी आँखों को आराम से बंद करके कर सकते हैं, केवल आप मुझे सुनिए और कीजिए। आप कुछ गलत नहीं करेंगे ऐसे, केवल आपको बैंड ही करना है, तो आप हर्ट नहीं कर सकते। जब तक आप अपने आप को सुन रहे हैं कि जहाँ भी आपको तकलीफ होने लगे आप उधर रोक सकते हैं और धीरे कर सकते हैं। अभी आपकी एंकल जॉइंट है उनको रोटेशन करेंगे। अभी दूसरी तरफ घुमाएं। फिर रिलैक्स करें थोड़ी देर। फिर अपने पंजे को ऐसे हाथ में लेके और ऐसे एक एक उंगली करके आपको प्रेस करना है, क्योंकि जैसे कि अगर आप कभी ये आप फील करेंगे कि जब टच करते हैं तो आपको अजीब सा महसूस होगा कि जैसे आपने इनको कभी छुआ ही नहीं। तो अगर आप छुएंगे नहीं तो वो उनमें जान कैसे रहेगी, इसलिए आपको उनको छूना है, मसाज करना है हल्के हल्के से।
और उनको बताना है कि आप अभी भी जिंदा हो। ऐसे आप अपने पंजे के ऊपर भी थोड़ा कर सकते हैं। अपने पंजे में पूरा शरीर है, हर अंग का पार्ट पंजे में है, तो आप ऐसे ऐसे करके मसाज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। बहुत ही लाभदायक है जब आप योगा कर रहे हैं उस समय। इस पे को करने से का खून का संचालन अच्छा रहेगा और आपके सारे अंग भी मसाज हो रहे हैं। दूसरा पैर करेंगे। आपको ऑलरेडी आपके शरीर में स्फूर्ति का महसूस होने लगेगा कि हाँ मैंने योगा किया है। और अब आप ये भी जान गए होंगे कि योगा कितना आसान है। कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का, किसी भी एज का व्यक्ति हो, कोई भी कर सकता है इसको। अभी आपको पैरों को वापस फैलाएं और थोड़ी देर लीन होके रेस्ट करें। फिर पंजों के ऊपर काम करने के बाद हम लोग नी के ऊपर काम करेंगे। तो सीधे बैठ के आपके राइट दाएं पैर को मुड़ें, अपने हाथों को जंघा के ऊपर लेके आएं और फिर आपके पैर को स्ट्रेच करना है पूरी तरीके से और फिर बेंड करना है। 5 से 10 बार कर सकते हैं इसको भी। पांच से दस बार करने के बाद आप अपने पैर को ऐसे ऊपर उठाएं और रोटेशन करें नी का। ट्राई करेंगे आपकी बैक सीधी रहे। और फिर दूसरी तरफ घुमाएं। और फिर पैर को चेंज करें। उसके बाद नी का रोटेशन करें दोनों तरफ। दूसरी तरफ बहुत अच्छे। अभी हम हिप के ऊपर काम करेंगे। तो ऐसे पैर को फिर से मोड़ें और ऊपर नी को लेके आएं और फिर नीचे लेके जाएं। तो इससे आपके जो हिप जॉइंट है उस पर काम होगा। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही ऊपर लेके आना है। अगर आप थोड़ा ही नीचे इधर तक ला पा रहे हैं इससे भी आपको हिप पर ही काम होगा, तो आप इतना भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही नीचे जाना है कि पूरा ही ऊपर आना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप जितना हो सके उतना ही करें। पाँच से दस बार करने के बाद फिर रोटेशन करें ऐसे हिप जॉइंट का। फिर दूसरी तरफ। और फिर दूसरे पैर को करें चेंज करें, पहले ऊपर नीचे जॉइंट को करेंगे ताकि आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी।
आंखों को आप बंद रखें, फिर रोटेशन करें। 5 से 10 बार ही करना है, कुछ भी आप कर रहे हैं 5 से 10 बार इनफ होता है। फिर दूसरी तरफ करें, और फिर अपने पैरों को वापस फैला लें और थोड़ी देर लीन होकर रेस्ट करें। एक गहरी सांस भरें और धीरे से सांस को छोड़ते हुए विश्राम करें। फिर लास्ट पोज करेंगे हम लोग, जो है तितली आसना, बटरफ्लाई इसको बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने दोनों पंजों को ऐसे जोड़ना है और अपने पैरों को ऐसे पकड़ के फिर अपने सीने को, छाती को ऊपर की ओर ऐसे खींचना है, ठीक है। और फिर आपको दोनों लेग को शेक करना है एक साथ। अगर आपके पैर इतने पास नहीं आ रहे हैं तो आप दूर रख के भी ऐसे कर सकते हैं, तो जो भी बनता है वही कीजिए। अभी हम दोनों हिप के ऊपर एक साथ काम कर रहे हैं। फिर धीरे से स्टॉप करें और अपने हाथों को आपकी नी के ऊपर लेके जाएं, छाती के ऊपर को खींच के अपने पैरों को पुश करें धीरे से। देखेंगे अगर आपके नी जमीन के ऊपर जाते हैं कि नहीं, जमीन की तरफ जाते हैं कि नहीं। नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उतना ही प्रेस करें जितना आपके शरीर में बन सके। फिर धीरे से वापस आगे आप सुखासना में थोड़ी देर बैठें, ध्यान मुद्रा में। तो भाई बहनों, ये था योगा कंप्लीट बिगनर के लिए। तो आशा है कि ये योगा आप आसानी से कर सकते हैं और आपको अब पता चल गया है कि योगा बिल्कुल भी टफ नहीं होता, कोई भी कर सकता है, बहुत आसान होता है योगा करना। तो आशा है कि आज से आप योगा चालू करेंगे और मुझे फिर बताइए कि आपका योगा कैसा जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे योगा विद अमित में ज्वाइन किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।